जग जननी माँ अंबिका मोय लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में माँ तेरे तेरो दास, तेरे तेरो दास मात अरदास। सुनो तुम मेरी और भमर बीच में मात, आज ये नाब पड़ी है मेरी। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आ जाइए देखते हैं कि अकल की बात करने से और अकल से जो प्राणी चलते हैं वो दुखी कभी नहीं रहते। वो दुखी कैसे नहीं रहते हैं तो गौर करें। एक राजा के पास में एक बूढ़ा हाथी था और वो हाथी जब ज्यादा वृद्ध हो गया, गांव के लोगों को बुलाया और जवाब दिया कि पूरे गांव के लोगों इस हाथी की खूब सेवा करो और इतनी सेवा करो कि ये किसी तरीका से मर न जाए, और अगर किसी ने हमें ये खबर दी कि हाथी मर गया उसे हम मरवा देंगे। गांव के लोग सेवा करने लगे कि हाथी मर न जाए, और हाथी जिंदा रहे तो कब तक जिंदा रहे। एक दिन वो हाथी मर गया, और जब हाथी मर गया तो पूरा गांव दुखी हो गया, गांव के सब लोग रोए बैठे। तो एक चतुर आदमी आ गया और कहने लगा, भैया पूरे गांव के लोग क्यों रो रहे हैं। कहने लगे, अब हम क्या करें, हाथी की खबर राजा के पास कोई कैसे दे, क्योंकि अगर किसी ने राजा से कह दिया कि हाथी मर गया तो वो उसे मरवा देगा। चालाक आदमी कहने लगा, तो तुम घबराओ नहीं, हम जा रहे हैं। चल दिया, महाराज के पास पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आपका हाथी जो है ना। हाँ, क्या हुआ हाथी को। जवाब दिया, कुछ नहीं, लेटा है। तो बेसुध होकर लेटा हाथी। चालाक आदमी बोला, महाराज वो कान भी नहीं हिलाता है और आप उस मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं चलाता है। आराम से पैर पसारे हैं। कहने लगा, महाराज आपका हाथी बड़ा समझदार है। आराम से पैर सवारे हैं और समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूंड से हाथ लगाए, भाई सांस तलक नहीं आती है। जग जननी माँ अंबिका मोय लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में माँ तेरे तेरो दास, तेरे तेरो दास मात अरदास। सुनो तुम मेरी भमर बीच में मात, आज नाब पड़ी है मेरी। तो दुर्गा मात हमारे शरण में पड़ो, ब्रजेश कुमार सेवक अपनो जान, भमर से नाब करो युसुपार। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि अकल से काम करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं रहता। तो दुखी कैसे नहीं रहता तो जरा गौर करें। एक राजा के पास में एक बहुत ही वृद्ध हाथी था, बूढ़ा हाथी।
पूरे गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया और जवाब दिया कि इस हाथी की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि किसी तरीका से हाथी मर न जाए, और अगर हाथी मर गया तो किसी ने जो हमारे पास ये खबर आकर के दी कि हाथी मर गया तो हम उसे मरवा देंगे। गांव के लोग सेवा कर रहे कि हाथी मर न जाए, और हाथी जिंदा रहे तो कब तक जिंदा रहे, एक दिन वो मर गया, और जब मर गया तो पूरे गांव के लोग बैठ करके रो रहे हैं कि अब राजा के पास खबर करने कौन जाए। एक चालाक आदमी आ गया और कहने लगा, पूरे गांव के लोग रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कि राजा के पास कोई खबर करने जाएगा कि हाथी मर गया तो वो उसे मरवा देगा। बोलो तो तुम काहे को मरे जा रहे, हम जा रहे, हम खबर करके आएंगे। चल दिया और राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आपका जो हाथी है ना। हाँ, क्या हुआ हाथी को? बोले कुछ नहीं, लेटा है। कि बेसुध होकर लेटा हाथी और वो कान भी नहीं हिलाता है, आंख उस मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं चलाता है। चालाक आदमी कहने लगा, महाराज आपका हाथी लेटा है, चाहे मारे चाहे तेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता। आराम से पैर पसारे है, आराम से पैर पसारे है, यत समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूर से हाथ लगाए, भाई सांस तलक ना आती है। जवाब दिया, महाराज हाथी लेटा है, आराम से लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता है। जवाब दो, हमने सूंड से हाथ लगाया कि देखो तो उसे सांस भी नहीं आती। राजा बोले, इसका मतलब हाथी मर गया। चालाक आदमी कहने लगा, महाराज जो तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया, चला गया। और पूरी बात जब कहेगा तो राजा के दिमाग में जा आई कि आदमी बड़ू चालाक है, पूरी बात कहेगा और जिंदा चलोगे। बुलाया और जवाब दो, जाए बुलाओ, इसे हम कुछ इनाम देंगे, ये बहुत चालाक आदमी। और जैसे ही इनाम को ना सुनो तो दरोगा जी बुलाएवे के लिए गए, रास्ता में जब पकड़ लो और जब कही के राजा के पास चलो। चले दरोगा जी, समझ गए कि जाए कुछ इनाम मिले। तो दरोगा जी बोले, तुम्हें मालूम है क्या यहां का नियम कुछ और है? कौन सा नियम है? तो दरोगा जी बोले, तो कहीं दरोगा ये भाई जो इनाम यहां से पाता है, और आधा हिस्सा मेरा होता या दर से देकर जाता है। दरोगा जी कहने लगे, जो भी इनाम यहां से मिलता है तो आधा हिस्सा उसमें से मेरा होता है। आगे बढ़कर दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले, मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। जवाब दो दरोगा जी ने कि आधा हिस्सा तो मेरा है। दीवान जी बोले, आधो जो बच जाए तामे से आधो हमाओ है। मंत्री बोले, और जो कुछ बचे सो हमाओ है, और जो न बचे तो कोई बात ना, जो आतो है इनाम पातो है, सो खाली हाथ जाते। मैंने कि ठीक, चले गए। अब जब राजा के पास गए तो राजा कहने लगे, तू भाई बड़ा चालाक आदमी है, तूने सारी बात बता दी, लेकिन चालाकी से जिंदा बच गया, चला गया, ऐसा करो कुछ इनाम मांगो। बोलो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे, नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए आपको? तो चालाक आदमी बोलो, दो हाथ जोड़े के, महाराज और कुछ ना चाहिए, एक इनाम दे दो। कहा के 100 जूता केवल चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। 100 जूता केवल चाहता हूं, गर होए
दे। राजा सोचने लगो जो है क्या, जवाब दिया महाराज हमारी भला औकात क्या है, 100 जूता हमें चाहिए। बस दया धाम ये दया करो, दया धाम ये दया करो, सेवा में करूं बताओ कितनी, नर नारी करें पढ़ाई को खुश हो लेगी मेरी पत्नी। जवाब दिया कि महाराज केवल 100 जूता हमें चाहिए इनाम में, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी बात जब सुनी राजा बोले चलो कोई बात ना, ऐसो करो हो सकते है जे जूता जाने कमू पहन ना पाए, गरीब आदमी है ऐसे ले जाओ बाजार में और बढ़िया बढ़िया जाए खूब अच्छे कीमती जूता पहनाओ, बोलो सोना है 100 जूता हमारे मारो। राजा को क्रोध आ गया और जवाब दिया कि जे हम जाए इनाम दे रहे, जूता खाए वो चाहे रहो जवाब दो, जाओ लगाओ जाके 100 जूता। तो जूता लेके जैसे ही आदमी आगे बढ़ो तो बोलो रुक जाओ सब इनाम हम आओ ही धो रहा हूं। बोले अब यार दरोगा जी आधा हिस्सा तो आपका है और छोटो या बड़ो पसंद करो देखो जे कौन नापता है। दरोगा जी से कही इधर आओ आधा हिस्सा तो आपका है, आपका हिस्सा हम कैसे खाएं, हिस्सा तो सुदामा ने खाया था जो भरकर भीख मांगी, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अब 50 दरोगा जी में लगवाए और दरोगा जी के बाद दीवान जी से कही आप आओ, बचा हुआ मंत्री को दो इसमें क्या मेरे बाप का है। सबे पिटवाओ, कहीं 50 दरोगा जी को दे, 25 दीवान जी को दे और जो बच गए 2500 मंत्री को दे दो, हमारे बापा को जामे का है। सबे पिटवाए के और चल दिया। राजा सोचन लगो जू बड़ो चालाक आदमी, सबे जूता लगवाए और चुपचाप चलोगो। राजा ने कही इसे दोबारा फिर बुलाओ, अब कोई और बड़ा इनाम इसे देंगे, हम अपनी तरफ से देंगे, मांग तो कुछ पाए ना, दोबारा बुलवाओ। और जब दोबारा बुलवाओ जैसे ही रास्ता में दरोगा जी मिले तो माने पूछी धीरे से, कहो दरोगा जी कोई हिस्सा है। दरोगा जी नाराज हो गए, जवाब दिया जा रहे हो कि इन बातें कर रहे हो बिना मतलब, पिटवाओ और हिस्सा बता रहा है। जैसी कचोर अंगेला बड़े दीवान जी मिले, जवाब दो बोलो अब तुम्हारा कितो हिस्सा है, कान लगो चुप्पा सीधो चलो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। जाए कि जब वहां पहुंचे हैं राजा के पास, हिस्सा किसी ने नहीं मांगा तो सबको पिटवा कर चल दीना। राजा ने सोचा चतुर बड़ा और फिर से बुलवा कर गद्दी के नीचे उसको कर लिया खड़ा। उसकी बुद्धिमानी की तरफ देख करके राजा ने मंत्री ही उसको कर लेना, मंत्री उसको ही कर लेना। राजा ने कीना हुक्म कड़ा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ जड़ा। अपने मंत्री को निकाल दिया और उस चालाक आदमी को ही अपना मंत्री बना लिया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धयस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, बिना बुद्धि के बल नहीं होता।
हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद कि बुद्धिमानी से इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है और बिना बुद्धि की बात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, तो कैसे नहीं होता जरा गौर करें। भक्तों, एक दिन भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के चल दिए। रास्ता में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया और उसका एक लड़का, तीन मिले। तो पार्वती बोली, भोले बाबा ये बड़े दुखी हैं, चलो इनके पास चलते हैं और इन्हें कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे, इन्हें अकल ही नहीं है वरदान मांगने की। बोले, ऐसी कोई बात है दुनिया में, ऐसा कोई आदमी जाए वरदान मांगने की बुद्धि ना हो? चलो हम और तुम चल रहे हैं। चल दिए और जब पहुंचे तीनों के पास और जवाब दो कुछ मांगो। बोले हाँ। बुढ़िया बोली, तुम हो को जवाब दो, हम शंकर भगवान हैं। बुढ़िया बोली, का शंकर भगवान है ऐसे ही होते हैं, जवाब दिया क्यों नहीं, देखो हम शंकर भगवान हैं। तो बुढ़िया से कही कि तुम वरदान मांगो, बताओ हम धनवान बना दें, बताओ तुम्हारा मकान बनवा दें, बताओ कुछ और चीज दे दें। तो बुढ़िया दो हाथ जोड़ के बोली, हमें और कुछ ना चाहिए, एक काम करो। कहा तो बुढ़िया बोली, है शिव शंकर और मैं नाम सुनती आती हूं, और केवल चाहिए यो बन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। भोले बाबा, इस बुढ़ापे से हम बहुत दुखी हैं, बुढ़ापा हमें नहीं चाहिए, हम जवान होना चाहते हैं। बोली बुढ़िया बोली, है शिव शंकर में नाम सुनती आती हूं, केवल चाहिए यो बन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। न धन न दौलत न मकान, केवल हमें तुम जवान बना दो, जो हम जवान हो जाएं। इतनी बात सुनी तो शंकर भगवान बोले ठीक है, तुरंत तो उस बुढ़िया को जवान कर दिया। और जवान जब भाई, नई लड़की बन गई, और जब लड़की बन गई सब डुकरा देखते ही खंजर गए और सोचन लगो जतो भगवान की दया से लड़की बन गई। अब बुढ़ा से कही, तुम कुछ मांगो। बोले, महाराज क्या हम मांगे? जवाब दिया, हाँ मांग लीजिए, जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। तो दो हाथ जोड़े और बोलो, महाराज और कुछ ना चाहिए? बुढ़ा बोला, है परमेश्वर और मेरी छोटी इच्छा भर दो, और जितनी आफत देना चाहो वो ला करके इधर सिर धर दो। बुढ़ा ने जब देखी कि बुढ़िया तो नई लड़की नहीं बनी गई, जवान बन गई, अब जा हमारे कहां रहे, न जाने किन पे जाए, दो हाथ जोड़े और जवाब दो, भोले बाबा और कुछ होना चाहिए हमें वरदान में? हे दीनन के हितकारी,
जवाब दो, ढुकराने के जवान जो हो गई है जाए तुम कुतिया बना दो। बनने की ठीक, अब वे लड़की से कुतिया बन गई। और जब दो वरदान मांग चुके, तीसरो लड़का रहेगो, अब लड़का से कही लला तुम कुछ मांगो। जवाब दो भोले बाबा, माता पिता तो दो जने वरदान मांग चुके, अब हमारा भी सुन लो क्या। तो बोल बेटा, बोला है शंकर जी, क्या बतलाऊं मैं बात तुम्हें, और मेरी माँ जैसी थी, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो बतलाऊं वरदान हमें। हमारी माँ जो आपने कुतिया बना दी है पिताजी के कहने से, तो जो हमारी माँ जैसी थी, पहले बूढ़ी थी, वैसी कर दो, और कोई चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा ने वो बुढ़िया को बुढ़िया बना दिया। कहने का मतलब है कि तीनों ने वरदान मांग लिया, लेकिन हते तैसे ही रहे, कुछ नहीं बन पाए। कुछ नहीं है वो सुख कभी नहीं पाते हैं। सबने मन मांगा मांग लिया, सबने मन मांगा मांग लिया, फिर बाद में वो पछताते हैं। अब अकल बड़ी या भैंस बड़ी, खुद सोचो तुम्हें बताते हैं। तीनों की इच्छा पूरी करके शंकर भगवान चले गए और बोले पार्वती देख लिया तुमने, तब ही हमने तुमसे कहा था कि नहीं तो बुद्धि नहीं है। और तीनों ने वरदान मांगने के बाद कुछ नहीं पाया, हते तैसे ही रहे। तो कहने का मतलब है कि हमेशा प्राणी को सोच समझ करके और बुद्धि से बात करनी चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इससे आगे कि बुद्धि से आगे कोई चीज नहीं होती। एक लड़का के दिमाग में आई कि महात्मन के बड़े आनंद हैं, अब हम तो महात्मा बनेंगे। और महात्मन के ऐसे आनंद हैं, न खेत भरवे की चिंता है, न लाई करवे की चिंता है, न भैंसने की चिंता है, न बदन की चिंता है, कोई चिंता नहीं, अब हम महात्मा बने। तो एक महात्मा जी के पास गए और जवाब दिया कि बाबा जी मैं तुम्हारे चेला बनने के लिए आए हैं। कहने लगे ठीक है रहो, आश्रम पर रख लिया। शिव तेरस को जब दिन आओ तो बाबा जी ने कही के लला एक काम करो, कहा कि चेला और लाओ प्रसाद हरि को के चेला, जाओ बाजार लाओ प्रसाद हरि को। पांच रुपया दे और जवाब दो के लला जाओ बाजार जा ही रहे हो, प्रसाद ले आइयो। चल दे हलवाई के पास पहुंच गए, अरे रुपया पांच लेके चल दे हलवाई को वचन सुनाए, और बाप प्रसाद में हलवाई ने तब लड्डू चार गाए, तो मुंह में भर गई लाओ परसा।
खड़े भए। हलवाई ने 5 रुपया में 4 लड्डू दे, और जब लड्डू देखे तब मुंह में पानी भरिया और सोचने लगे लड़ुआ हमें मिलते खेबे को, लेकिन गुरु जी नाराज हो जाएंगे, अब जे हम खाए कैसे। फिर दिमाग में एक बात आ, गुरु जी जब सोचेंगे कि जे बहुत दूर तक आओ है ताके बदले में कम से कम खवाए, तो एक लड़ुआ तो खवाए ही, तो ऐसो करो यही खाए गए निकारो, खाए गए। अब बचे 3, चले और होंगे ना, लेकिन मन फिर यू ना मानो, और जब मन ना मानो तब भाई लड़ुआ निकारे और सोचन लगे चेला, अरे बांटेंगे प्रसाद गुरु जी और जय है सबके द्वारे, सबसे ज्यादा हमें खबर है हम चेला प्राणन प्यारे, अब लो मुंह में डार लाओ प्रसाद हरि को के चेला, सबे प्रसाद बांटेंगे तो सबे थोरो थोरो दिए, हमें ज्यादा दिए, हम उनके चेला हैं, और कितो कम दिए तो एक लड़ुआ तो दिए, तो जैसे हियन खाओ तैसे हुन खाओ, निकारो बहु खाई गए। अब बचे 2 लेके और अंगेला चले, लेकिन मन फिर यू ना मानो, बे 2 लड्डू पकड़े और दिमाग में एक बात आई, अरे सबे बांट के आश्रम पे गुरुजी जब सबे प्रसाद बांट के घरे आए हैं तो बचो बचाओ सब हमें मिल जाए, क्योंकि हम उनके चेला हैं, और कितो कम मिले तो एक तो मिले ही था, से शुक्रो खाए ले बहु खाए गए। एक बचो, एक लेके पहुंचे आश्रम पे, जवाब दो गुरुजी हम प्रसाद ले आए। गुरुजी कछु काम से लगे, जवाब दो दादो भाई। जब प्रसाद रख दिया, उसके बाद जब गुरुजी ने देखा और जवाब दिया, जरा 5 रुपया में 1 ही लड्डू आया, बोलो सोना गुरुजी 4 आए। फिर है कहा, डंडा उठाया, जब 4 आए तो वो कहा है, जवाब दो गुरुजी हमारी बात सुनो, हम पिटबे के लिए महात्मा ना है भाई, हम तो केवल जा के लिए महात्मा भाई, कि सीताराम बोलो मनवाता डोलो चैन के भैंस बदिया खोलो को काटे है, लेकिन गुरुजी देखो हम जासे महात्मा ना है भाई कि तुम हमें मारो। जब हम गए तो 4 आए, तो हमने जो सोची गुरुजी सबसे कम मिले वो हमें, तो एक लड़ुआ खवाए, क्योंकि हम खून से भोगाओं से भज के और हिल तक आए, तुरंत ही बिन्ने सोची और हमने विचार बनाओ खाओ चले आए, ठीक है। फिर बचे 3, तब हमने जब सोची गुरुजी जब सबे प्रसाद बांटेंगे सबे कम दी हमें ज्यादा दी, क्योंकि हम उनके चेला है, और कितो कम दी तो एक तो खबाई था से बहु खाए लो। फिर कचोर आगे चले, फिर जब सोची जब कोई ना रह जाए तब पूरा प्रसाद बचो बचाओ हमें मिल जाए, ता से हमने तुरंत निकारो बहु खाएंगे। सोई गुरुजी ने डंडा उठाओ, जवाब दो तूने भगवान का प्रसाद खाया कैसे, मैं पूछ रहा हूं भगवान का प्रसाद कैसे खाया। कान लगो गुरु जी ने करो सबू लड़ुआ धरो रहा है, बहु उठा के मुंह में डाल लो, देखो हमने ऐसे खा। गुरुजी ने करो, अरे बोलो चेला
का मतलब है दोस्तों, तुरंत ही गुरु जी ने उस चेला को घर से उस आश्रम से निकाल दिया। अब देखते हैं इससे आगे। बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर का मुखरे, दो भाई जिनमें बड़ा प्रेम था। बड़े भाई तो नेता थे लेकिन छोटा भाई किसान था, बड़ा मेहनत करता था। एक दिन यार रात कुटी फूटे हल जोते नया राम कर, और बड़े जात पंचायत को बसिए सुबखत तमाम कर। बड़े भाई तो नेता थे लेकिन छोटा किसान था। छोटे की शादी तो हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ। एकदम बड़े भैया ने सोची कि चलो इसका गौना करवा देते हैं। तो छोटे भाई के जब गौना करवाया तो वो औरत घर में आई तो उसने क्या देखा कि जेठ तो सारे दिन कोई काम ही नहीं करते हैं और हमारे पति जो हैं वो काम करते करते दुखी हैं, अब क्या करें। अब जो सोचने लगी अगर अब ही कचुकात है तो तमाम गांव की औरतें जो कहें कि जब गोनो है कि कल ले आओ, जब गोने में ही उठ चलाने लगी। लेकिन अब कहा करें, खामोश रहे तो कौले रहे। दो चार दिना नाए बोली गोना हो करके नव दुल्हन जब आंगन में आई है अब देश, तो दो चार दिना पेड़ो देखो सैया पे परी तबाही है। दो चार दिन ना बोली जेठ आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, परो करें, लेकिन जेठ काम के आने ना है। दो चार दिन पेड़ो देखो सैया पे परी तबाही है। जेठ आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, चार दिन बाद करें, पंद्रह दिन बाद करें, लेकिन वो काऊ तरीका से जब काम के आने ना आए, सोचन लगी काऊ तरीका से हमारे पति अगर हमें मिल जाते तो इन्हें हम समझा देते, लेकिन वो नहीं मिले। एक दिन जैसी रोटी खाए के निकलो सोई तुरंत बने पकड़ लो और जवाब दो हमारी बस। कहा करो बे मौज करे तेरी अकल कहां बोरहल है। करते रहते हो, ऐसो करो तुम अलग हो जाओ। इतनी बात जब सुनी तो भज दो जवान एकदम छोटे ने भाग जाओ नेता ढिंग पहुंचो जाई है। हुआ और पहुंच गया अपने भाई के पास में।
और जवाब दिया आज हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले चारी दिन भय गोनो भय और तू भन्ना लगो। जवाब दिया वो बात नहीं है, हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले तो क्या तू हमारी बात नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं, पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए, हम तो औरत के गुलाम हैं, बिल्कुल नहीं मलाल परवाह एक यही है क्योंकि रानी ने रूठ जाए। बोले ठीक है। तो नेताजी बोले देख एक बात सुन ले कान खोल के, जो हम तुझे देंगे तुझे बही लेना पड़ेगा, और ऊदमबाजी अगर की तो तुझे और तेरी पत्नी को दोनों को घर से निकाल देंगे। कहा ठीक है। तो बड़े भाई पढ़े लिखे थे, छोटा किसान था, बिना पढ़ा लिखा था, तो बेईमानी का बांट कर बैठी और बोले कि जो बारह पी गई घड़ी बाकी फुलंग रही तेरी भाई, और जो सोले बीघा गेहूं है ताकि बाल रही मेरी भाई। बारह बीघा में जो ईख खड़ी है वो ऊपर की तुम्हारी है, गन्ना हमारो है। बोले ठीक। और जो गेहूं है बाकी बाल हमारी है, भूसा तुम्हारो है। बोले ठीक है। और सुनो, अरे घर में जितने कपड़ा है दिन भर धरियो अपने माई, और होए रात मेरे घरे धरो ओढ़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम्हारे हैं, संजा को हमारे हैं। बोले ठीक। और सुनो, और घर में जो एक भैंस रही आगे की मैं लूंगो नहीं, दोनिया को दूध हमारो है तुम खातर करियो मोघाई। चारों तुम डारो, दोहनिया से दूध हम ले जाएं, और जो इतनी बात सुनी तो छोटो भज दो, एकदम छोटे ने भज दो, दुल्हन को दीनों समझाई। बात समझ गई बेईमानी है वैली रात भर गया। चले और सब हाल उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। बस समझ गई कि जेठ ने बेईमानी करी है, सो सारी रात उसे नींद नहीं आई। रात आधी पे जगी, अपने पति के पास पहुंची और जगाने लगी, जग जाओ हम तुम्हें जगाए बेको आया। बेन आए जगे, चीख पड़ी, तुरंत उठ करके बैठ गया, कहने लगा कहो क्यों जगा दिया। जवाब दिया कि जेठ ने बटवारो ना करो, बेईमानी करी है, सो कछु नींद में और रहा है। बोलो पर जाए भैया को बांट और कन्यादान एक ही दा हो तो रोज आए हो तो। जवाब दो महाराज हमारी बात सुनो। बोलो कैसी बेईमानी करी है? कान लगी कि गन्ना जेठ ने ले लो लेकिन ऊपर को तुम्हें दे दो, तुम्हें जना मालूम कि गन्ना में तो रस ही निकलता है। छोटो बोलो हाँ जय जय भूल हीरे जब भूल। और गेहूं? जवाब दो गेहूं को तो हमने सोची लो, एक बिती की बाली तो नहीं दई, लंबो बाबू सब हमने धल लो। जवाब दो तुमने रे गदाटू बाली में तो नाजी निकलता है। छोटो बोलो री जऊ भूल हीगी जब भूल। और भैंस? भैंस आगे की तुमने ले ली, पीछे की जेठ ने ले ली,
चारो तुम डारो, संजा को जिठानी आए सो दूध दो ले जाए। बोलो जतो हमने सोची ना, सोची ना फिर तुमने आगे की लई क्यों? जवाब दो हम तो ता से लई आगे की कल परो रक्षाबंधन आए वे बाए सनीनो आनवाए तो घंटोरिया बांधेंगे गेला सिंगन से रखिया बांधेंगे तो भैंस कितनी सुंदर लगेगी। बोली बिल्कुल पागल हो, अब जाओ दोबारा बांट करवाओ। कहने लगी अब दोबारा बांट करवाने के बाद तब फिर आओ हमारे पास। बोले ऐसो तो ना हो पाए, क्यों? जवाब दो वो हमसे ये कह रहे थे कि अगर ऊदमबाजी की तो तुझे और तेरी लुगाई को घर से निकाल देंगे। तो वो चतुर औरत बोली अगर तुम दोबारा बांट करवा ना जाओ तो हमारी एक बात सुन लो। कहा? बोली कि कर चार मेहनती का काट लो गेहूं की जड़ कटवाना और कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के दसियाना। जवाब दो उखारी ऊपर की तुम्हारी है अब ऐसे काटन लगो, गेहूं की जड़ तुम्हारी है अब ऐसे कपटन लगो, देखे उनको खलियान कहां से लग जाए। और महाराज भैंस तुम्हारी है तो तुम लाठी दे मोह में जो दूध दही फटा सब लेती चली जाए। मारो लठिया भैंस की खातिर कर आना, सोई भाव काम कर रही रही फिर मर आना। सवेरो भाव जय हो लगो, चार आदमी उखारी में कदे जे कहीं ऊपर से काटो, आठ गेहूं में लगा दिए का जड़ का तो जड़। नेताजी बोले क्यों रे कच्चे क्यों कटवा रहा है? बोलो भैया हम तुम्हारे हिस्सा से नेकू धक्का ना लगा रहे, भज दो और ये भौजाई जैसी भैंस के पेट के नीचे दुहिबे के लिए बैठी है, कपड़ा भिजाए दाए पानी मिले लठा भैंस पे यार रानो, दबाओ जड़ा को लठिया को भौजी को करे दो धरानो। बन मुंह में ऐसी लाठी दही जो भैंस के नीचे भौजाई और दोहनिया सब बता से बीनती फिरे। बहुत आसा बन गई कम दूध डरो कम दूध डरो कम दूध डरो कम भौजाई तब पड़े बहुत मन खिसिया ना, गौ बड़ो समझ कोई चतुर लगो फिर बात दोबारा करवाना। नेताजी समझ गए फिर उसका दोबारा बांट हुआ तो कहने का मतलब है दोस्तों सीधी उंगल न से घेव काड़ो तुम ऐसो का बहू करी है, सीधी उंगल न से घेव काड़ो तुम ऐसो का बहू करी है। अरे छोटा सा एक गांव जिसमें बसते थे किसान लोग, बिना पढ़े लिखे और विद्याहीन सारे थे, खेती का काम ही करते थे सारे लोग, पशु बिचारे ने प्राणों से भी प्यारे थे। किसान जो बिना पढ़े लिखे थे वो एक गांव में रहते थे और ऐसा हुआ कि पशुओं में बीमारी फैल गई, मरने लगे, चिल्ला चिल्ला करके जब मरने लगे सब डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि हमारे पशु चिल्लाते और मर जाते। तो डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवा। बोले सो ना है, बिना पैसा कोई इलाज हमें बताओ अगर हो तुम्हारे यहां तो।
बोलने की बिना पैसा को इलाज जे है कि ऐसो करो उन्हें तीन जगह दाग दो कछुला गरम करके पीछे पीठ पे और गलपटन पे, तो कछ बीमारी ऐसी होती जो दागे में चली जाती। जवाब दो के उन्हें दाग दो सही हो जाए। सब लौट के चल रहे किसान और सोचता है, अरे भैया जे इलाज बहुत बढ़िया मिलो, हमें का मालूम आती। पांच साल एक बोलो हमारे बाप मरे गए तो हम काय को मरना देते, उन्हें दागे देते। बोलो हाँ बात तो सही है, अब वे पशुओं को जब दागन लगे पशु ठीक होने लगे। लेकिन एक मुश्किल हट गई कि एक दिन जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण आकर के कुआ पे उन्हें स्नान करो, स्नान करने के बाद में भजन करने के लिए बैठ गए और ऊंचे सुर में खूब मंत्र पढ़ने लगे। जब मंत्र पढ़ने लगे लेकिन भाभी एक भाई, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, बच्चन ने जब देखो सोचन लगे हमें लगते इन्हें बाए बीमारी है जो भैंसन को हती सो। सब लौट के भाजे समय पंडित जी ऊंचे सुर में मंत्र पढ़ने लगे और जब मंत्र पढ़ने लगे तो छोटे छोटे बच्चा जो खेल रहे थे उनने जब देखी सोचने लगे कायरे हमें जो लगते है जैसे वो भैंसा चिल्ला चिल्ला के मरे गो तैसे ये पंडित मन नवाए हैं। ऐसो करो का परदेसी को सफाया न हो जाए, अपने बाप से कही कि उन पंडित जी को बहुत बड़ी मर्ज है। तुरंत तो सब लोग भाजे, सोचन लगे ऐसो न हो पंडित जी मर जाए, अब इनको इलाज करो। आग सुलगाई और जब आग सुलगाई तब पंडित जी मंत्र भी पढ़ते जा रहे हैं और अनेक धीरे से आंखें खोले के देख ही रहे हैं। सोचन लगे जगाओ के लोग बड़े बढ़िया मालूम पाता, हो सकते सकले भूनेंगे हमारे लिए, हो सकते आलू न भूने, बड़े भक्त हैं ये। बिन्ने खूब आग सुलगाए के और जब कछुला खूब गर्म हुए, एक बोलो पकड़ो पंडित जी को, दूसरो बोलो भैया जब भैंसा को दागो हतो तब्बा ने गोड़ फड़फड़ाए थे, कहूं ऐसो न हो कहूं जेऊ ने गोड़ फड़फड़ाए, ऐसो करो रस्सी ले आओ। रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवाए कि पंडित जी को पकड़ लो और पकड़ के बांधन लगे। पंडित जी बोले मूर्खो क्या कर रहे हो, जवाब दो हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। इलाज हम का बीमार है, अरे हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख कहने लगे वेद पाठ करवे से तो इन मत जाता है, तो मैं ना मालूम कल परो हमारे एक बद्ध ने वेद पाठ करो वो मरेगा, बकरा ने वेद पाठ करो वो चलोगा, भैंसा ने वेद पाठ करो तीन दिन लो चिल्ला रहो वो मरेगा, तुम अब्याल मरे जाते। तुम कहे मूर्ख है पंडित जी हम जाने अबे बचा दे, चिंता मत करो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें मर जो हो गई। पंडित जी बोले मूर्खो क्या कर रहे हो, हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख बोले महाराज कसम खाते ही जब वेद पाठ कर गई से मर
अब पंडित जी जो थे वो बहुत घबरा गए, लेकिन मूर्खन के सामने पेश नहीं गई। पंडित जी को दाग दो जबरदस्ती घोड़ बांध के, और पंडित जी बृंदन फड़ाए पहुंचे थोरन सुरग धाम, और मूर्खन से तुम बचते रही हो गाय की कह रहे शिवरा। अंत में पंडित जी का प्राणांत ही हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मूर्खों से सदैव बच कर के रहना चाहिए। मूर्खों को उपदेश देना यह अपनी मूर्खता होती है। अब देखते हैं इससे आगे। दोस्तों अब देखते हैं कि अकल से आदमी क्या से क्या कर रहा है, और अकल से जो कुछ हो रहा है वो तो खैर सब किसी को मालूम है, लेकिन क्षमा करें। और हमें नाज अपने भारत पर, जो जिस देश में मेरा जन्म हुआ, और किया रहम ऊपर वाले ने जो जा यूपी में भेज दिया। इसलिए इस यूपी में हर काम जुगाड़ से होता है, हर काम जुगाड़ से होता है। तुम सुनो ध्यान दे नर नारी, अब जुगाड़ से लोग वोट मांगे और जुगाड़ से बनते अधिकारी। किसान को दे वाला सर्विस भी जुगाड़ से मिलती है। अब देश जो ने लाख खंड देवे के नौ तो नौकरी ना है। सर्विस भी जुगाड़ से मिलती है, और जिसकी जुगाड़ हो भारी, जुगाड़ से घरवा
यानी यहां तक जुगाड़ चली, एक अल्ट्रासाउंड की जुगाड़ चली, चेकिंग की, और जब से जुगाड़ चली चेकिंग की तब से भारी कमी पड़ी। और 100-200 का लालच देकर डॉक्टर से लेती जुगाड़ लड़ी, करके जुगाड़ जुगाड़ चली, नर नारी सुख उठाते हैं। एक करके जुगाड़ जुगाड़ चली, नर नारी सुख उठाते हैं। नहीं पैदल चलना होता है, घर घर पहुंचाए जाते हैं। जब से जुगाड़ चली हमारे यूपी में, हर काम बिना जुगाड़ के नहीं होता। अब आप सोचेंगे वो कैसे, जुगाड़ से घरबारी मिलती है, जुगाड़ से रखवारी मिलती है, जुगाड़ से ही पर खैर छोड़ो, मेरा मतलब है कि बिना जुगाड़ के कोई काम नहीं होता। एक दिन ऐसा हुआ, एक की शादी नहीं, और शादी तो हो कैसे, क्योंकि लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, और जब इनकी शादी कैसे उनाए भाई। तो एक आदमी ने उनके मम्मा से कही, जो कही उनके संग में बैठे भाई आते, और बोले ऐसा न करो, न जुगाड़ लगाओ, इनकी शादी हो जाए। सो मम्मा जो हते भगवान की दया से ऊंचो सुनते थे, उनने जो सोची कि इनको शायद लासन फासन ढोए में बे जुगाड़ नई कसवाए के लाए, उनने कही चिंता ना करो जुगाड़ है। जब बिन्ने कही जुगाड़ है, अब जो भांजे हते बेज सोचन लगे ना कि जुगाड़ है, जाके मतलब अब ब्याह हवाऊ है, बने हम भरत आर, बे सोचन लगे के बने हम भरत आर, मेरे मामा की जुगाड़ बड़ी है के बने हम भरत। वे जुगाड़ कसवाए के लाए थे, उनने सोची जे लासन धोए ताकि मैं जुगाड़ पूछ रहे, लेकिन वे जुगाड़ में जाके हते काउ तरीका से ब्याह हो जाए। जब उनने पूछी कहो, बोले हाँ जुगाड़ है। अब वे जब सोचन लगे बने हैं हम भरतार, मेरे मम्मा की जुगाड़ बड़ी है बने। अपनी माता जी को पूरी बात बताई तो ना मालूम, हम बात करके आए, मम्मा की जुगाड़ बहुत बड़ी है। अम्मा सोचने लगी, मम्मा की जब जुगाड़ है तो शादी हो यही हो। अब अम्मा भूली ना समावे और घर की तगबावे, भतीजी हमारी, मेरे भैया की जुगाड़ बड़ी।
अब अम्मा भूली ना समय सोचन ज लगी कि हमारी भतीजी सियानी है, हो सकते कि भतीजी कोई ब्याज भांजे के संग करे सो घरे रिश्तेदार बोलवाए। बात ही अंत तक पहुंच गई, जब रिश्तेदार आए गए सब कुछ हुई गो तो बड़ी मुश्किल से मम्मा ने सोची अब चलो बड़ी बेइज्जती की बात है, चलो भांजे की शादी कर दें। हमने जुगाड़ कछ और बताई और जू जाने कौन सी जुगाड़ सोचेगो बाद में। अब शर्म की सौदा तब मामा ने शादी की जुगाड़ लगाई और लेसन के बदले बेटी की जुगाड़ में विदा कराई। मगन सब ही नर देखो मम्मा शर्म की सौदा। जब सोची मम्मा ने कि सब लोग इकट्ठे हो के आए हैं, चलो अब जो कुछ है सो है ही है, चलो लड़की कि शादी कर दें, अब शादी करी और शादी करने के बाद जुगाड़ में लासन के बदले बिटिया की विदा भाई। और विदा होवे के बाद जब रास्ता में जुगाड़ जा रही है, अब जुगाड़ जाए लड़ी साइकिल से और ले गए मगर सिपाही। जुगाड़ को साइकिल से एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले लोग पकड़ के ले गए। दरोगा जी बोले कहो थानेदार। बोले इसका मतलब न जाने कब को तू एक्सीडेंट करवे के लिए घूम रहा। बोले सोना हमारी मम्मा की बहुत बड़ी जुगाड़ है। अब थानेदार सोचने लगे हो सकत कब मुख्यमंत्री से जुगाड़ ना हो तो छोड़ भी पड़े भी छोड़ दे जी जा भैया तू जैसे मरे तैसे मर जाए। अब गांव के लोग इकट्ठे भय जी भैया तई तो जुगाड़ लग गई भगवान की दया से। अरे हमारे लड़का की जुगाड़ लगा। अरे कहे गांव के जुगाड़ लग गई अब मेरी जुगाड़ लगाइए और अपने गांव मोहल्ला में तू सबको काम करिए। तो वो बोले के ली है 30,000 मेरे मम्मा की जुगाड़ बड़ी है के ली है 30,000 मेरे मम्मा की जुगाड़ बड़ी है। जवाब दो। जब गांव के लोगों ने भैया ते ही तो जुगाड़ लग गई। अब ने कहा हमारी जुगाड़ लगा और ब्याह की तो इसी भगवान की दया से कमी चल रही है, लड़कों की संख्या ज्यादा है लड़कियों की कम है। फिर ऐसो भाव बनने की 20,000 ली कम ना ली एक 54 कचो कचो पे तो अब देसू ठगे लाए जो कुछ लेवे हते सो। और लेवे के बाद में जब ब्याह का भाव ना है तो दीवान जी पकड़ के ले गए और जवाब दिया क्यों रे गांव के लोगों को ठग रहा है। बोले सोना जुगाड़ लगाई। बोले कैसी जुगाड़। बोले अरे कहती बांजी किस जुगाड़ में पैसा ले कमाई। बोले मेरे मामा जी ने अब नई जुगाड़ कसाई के जामे पहिया चार मेरे मामा की जुगाड़ बड़ी है के जामे पहिया। We'll be right back.
जुगाड़ से तूने जो पैसा पैदा करे जवाब दो। सो थोड़ा जुगाड़ है, जुगाड़ तो हमारी मम्मा की है, जब तीन चार पहिया लगे हैं और हम तो बाई जुगाड़ पे चलते हैं। तो दोस्तों ये जुगाड़ हिंदुस्तान की जो है वो बहुत आगे चल रही है, यानी ये सब है अकल का खेल। एक आदमी पूछन लगो कहो भौजाई कि नकी जुगाड़ में आई हूं, बरस हो गई बन की जुगाड़ में आई थी अम्मा थी बहन, हम किन की जुगाड़ में, हम तो बजा रहे आए। जवाब तो बजा रहे तो आई लेकिन किन की जुगाड़ में आई, जवाब तो पागल है हम काहू की जुगाड़ में आए, हम तो आप ही जुगाड़ में आए। तो मेरा मतलब है कि बातें कभी कभी ऐसी भी हो जाती हैं जो हिंदुस्तान के लोग आगे चल करके कहां तक पहुंच गए हैं कि जुगाड़, और वो जुगाड़ है जिसकी जुगाड़ के बिना कोई काम नहीं होता। अब देखते हैं इससे आगे। तो जुगाड़ से, अकल से औरतें भी कुछ कुछ आगे हैं। एक औरत की आदत होती बिना बात के गारी देवे की, सवेरे ही सवेरे गारी दे वो शुरू हो जाती, चाहे कछु कोई बिगाड़ है चाहे न बिगाड़ है। यहां तक हुआ कछु ना उरहानो में तो पूरे मोहल्ला में जय उरहानो दिन चली जाती। आज हमारी भैंसिया लगे सांकर कोई खोल लाओ, आज गोबर भर लो ना तो को फंसाया, पूरे दिन की जय आदत। सवेरे ही सवेरे जब गारी दे रही थी, हमने पूछा क्या हुआ काय गारी दे रही हो, तो एकदम से बोली कि जब गांव की नारी उतारे उतारे, यानी उतरी भाई जनाए मालूम काय से उतरी, मई छत से उतरी के बस से उतरी के जीना पे तो उतरी, काय पे तो उतरी जनाए मालूम। बोली कि जब गांव की नारी उतारे और बुरी में नाई कई लेकिन लला जितनी जगहों की औरतें हैं सब उतरी भाई हैं। तो हमने कही पूरे गांव की उतरी वही है बोली का कह रहे, हमने हम कछुना कह रहे, हम जब कह रहे हैं कि पूरे गांव की औरतें, बोली हाँ पूरे गांव की औरतें। अरे बिना बात के भोर हो नहीं आती मेरे द्वार, बोली बिना बात की भोर हो ही आती मेरे द्वारे, पूछे हाल मेरे आंगन को इनके खसम की तारी जा रे, बुरी मैंने नाई कही नाई कही, जागाओ की नारी उतारे बुरी मैंने हती। तो जवाब दो आजल हमने काऊ गारी ना दई ना आजल हमने काऊ से कबू बुरी भली कही। अरे मैं हूं सीधी सादी नारी बैठी राती द्वारे, मैं हूं सीधी सादी नारी बैठी राती द्वारे, औरतें जगाओं की जो है अब जाकी बात से बोली जब मोहल्ला में या जब परिवार में, अरे मेरे बारे में मोहल्ला की जो कोई बात निकारे, मेरे बारे में मोहल्ला की जो कोई बात निकारे वो अपने मुंह से पूते खावे, अपने खसम की चेटिका जा रहे पूरी ननन भाव
ही कब उड़ला। और हमारी नेकों कोई चर्चा चलाए जब मोहल्ला की औरत, अर चर्चा मेरी जोन चलावे जा कस्बा की नारी, वो अपने मुंह से पूते खावे अपने पति की चेली का चारे। मैंने नाई कही जा गाँव की नारी उतारे, बुरी मैंने नाई कही अगर हमारी कोई नेकों चर्चा चलाए तो हमने की तुम्हारी चर्चा कर को रहो। बोलो तुम्हें ना मालूम हमारी कोई कहे कैसे। अरे ऐसी कहे छुटे ना धोए जो साथ पुष्ट लो तारे। बोली ऐसी कहे छुटे ना धोए जो साथ पुष्ट लो तारे। और कोई रण बीच में बोली बाको पकड़ के लो फल, पूरी मैंने नहीं कही तो हमने कही बिल्कुल पागल हो जकाती के। हमने आज में बुरी ना कही और बिना बुरी बात के तुमने तब से एक बात अच्छी ना कही। अरे जो बातें अच्छी हैं उन्हें बिना मतलब मुंह चला रही तो एकदम से भके आए कि हम पे उतर परी और बोली ठाड़े रही हो भाज मत जाइयो के डंडा आवे निकार। बोली अरे ठाड़े रहो भाज मत जाइयो ना डंडा आवे निकार। अरे सलाह करी खरगोशरे जंगल में एक दिन, सलाह करी है खरगोश जंगल में एक दिन। सब खरगोश इकट्ठे भए और जवाब दो भैया बड़ी मुश्किल है, एक शेर इस वन में रहता है बिना मतलब के हम लोगों को मार रहा है। पंचायत जब जुड़ी तो एक बूढ़ो खरगोश बोलो कि भैया एक मुश्किल है। बूढ़ा शेर एक जंगल में निस्तिन वो हैरान करे, दस बीसन को निस दिन मारे ना हम लोगन को सम्मान करे। बीसन को निस दिन मारे सब लोगन को वीरान करे। बुझ दिल होकर हम जीते हैं, खरगोश बोले बुझ दिल होकर हम जीते हैं ना शेर तलक सम्मान करे। चाहे घर को हो चाहे नाते को सब सम्मुख अपमान करे। तब बूढ़ा कह खरगोश एक कछु नहीं कछु दोष हमारे, जंगल में एक दिन करी सलाह खरगोश जंगल में एक दिन। सब खरगोश इकट्ठे हो गए और जवाब दिया कि भैया एक शेर बूढ़ा है और वो हम लोगों को मनवाए ता पकड़ ले तो और मात दे तो है, दस बीस को रोज मात तो है
और जब शेर तक हम लोगों को सम्मान ना कर रहे है तो दुनिया के लोग सम्मान कैसे करेंगे। अरे कम से कम शेर को तो हमारा सम्मान करना ही चाहिए। एक बोलो तो जामे कौन सी बड़ी बात है, चलो आज शेर के ढंग चल रहे हैं उनसे कहेंगे तुम ऐसा क्यों करते हो। दूसरो बोलो हम तो जाइए ना, क्यों मरो काय को जात हो। अरे शेर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, सब खरगोश बोले और सब इकट्ठे हो के शेर के पास गए तो कहने लगे एक बात सुनो मेरी। क्या सब कहने लगे, हे महाराज जंगल के आप ही अधिकारी, बिन मतलब के हमको मारो हे सूर वीर बलंकारी। खरगोश कहने लगे बिना मतलब के हम लोगों को मार रहे हो, आज हम एक नियम बना रहे हैं। कौन सा? तो खरगोश बोले एक नियम बनाते हैं अपना, आएगा देना तुम मारी, नहीं मानोगे समझाने से रोबेगी फिर सिंघिन प्यारी। अधिकार जमा कर हम लोगन पर मति बढ़ावो जोश रे जंगल में एक दिन सलाह करी है खरगोश, जंगल में एक दिन सलाह करी है खरगोश। सब खरगोश कहने लगे महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों को वीरान करो। हाँ हम एक नियम बना रहे हैं, एक खरगोश तुम्हारे पास आता रहेगा और उसी को तुम मारते रहना, और अगर तुमने जामे नेकुआ ना कानी करी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। खरगोश बोले, शेर कहने लगा ठीक है हमें मंजूर है, एक खरगोश आता रहे हम उसी को मारते रहेंगे। ये नियम चलता रहा कुछ दिन, एक खरगोश पहुंच जाता है शेर उसी को खा जाता है। फिर एक खरगोश को ऐसे को नंबर आओ जो बड़ो चालाक है, तो वो पूरे दिन जार बार घूमत रहो शेर के पास ना आएंगे और संजा होने को आई तब गो ये भूख के मारे मरो जाए शेर। तो दिन भर घूमा दो जंगल में खरगोश, वो तो शेर को बड़ी परेशानी, और आते ही वो फिर रोन लगा हुई महाराज अब बदनामी। खरगोश आते ही आते रोने लगा शेर के सामने और कहने लगा महाराज बदनामी हो गई। शेर गुस्सा में बैठो तो भूख के मारे सवेरे तक प्राण जाता है, अब आओ तुम तो समझे को गो। बोला महाराज आपसे बड़ा एक जंगल में रहता है अभिमानी, का मैं ही तुझको खाऊंगा मैं मेरी बात ये कमानी। बड़ी मुश्किल से हम आए हैं जब नाई कछु मेरे दूसरे जंगल में एक दिन सलाह करी है खरगोश, जंगल में एक दिन जवाब दिया महाराज हम तो बड़ी मुसीबत से तुम्हारे पास आए हैं, एक तुमसे भी ज्यादा बलवान रहता है उसने हमें घेर लिया और घेरने के बाद में जबरदस्ती कह रहा था कि हम तुझे खाएंगे, हाथ जोड़ करके पैर छू करके तब हम तुम्हारे पास आए। शेर को इसे गुस्सा हती के सवेरे के भूखन मरे जा रहे, अब जो कानून और कर रहो कौन था हमसे बड़ा। खरगोश कहने लगा महाराज मेरे साथ चलो। चल दिया, एक कुआ के पास पहुंच गया और जवाब दो महाराज जाई में घुस गए, और जो शेर ने ऊपर से झांक करके देखा तो शेर की परछाई जब पानी में दिखाई पड़ी बोलो हां सही ठीक है तू सच कह रहा है इसमें है। जब झांका शेर कुआ में तब देखी अपनी ही परछाई, आवाज करी दुनिया
और जब दूनी आवाज आई तो शेर बोलो जाको मतलब तू गुर्राए रहो हमसे, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेरकुआ में गिर तब चल दीनों कल चतुराई, शेर ने सोचा ये हमसे ज्यादा बलवान है, कुआ में कूद पड़ा और कहने लगा हम तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। शेर मर गया। चल दो है लड़के चतुराई,